गोविंद सिंह डोटासरा ने बीकानेर में बांटे मास्क। देखें सीके न्यूज़ की ये रिपोर्ट। प्रभारी मंत्री के रूप में पहली बार बीकानेर दौरे पर आए कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने कांग्रेस कार्यालय पहुंचकर मास्क बांटे। उनको मास्क वितरण करने के साथ साथ मास्क लगाने की हिदायत भी दी तथा किसान विरोधी बिलों के बारे में भी किसानों को अवगत कराने की बात कही। इससे पहले मीडिया से बातचीत में डोटासरा ने कहा कि यूपी के हाथरस की घटना बेहद शर्मनाक दुर्भाग्यपूर्ण है, इतनी शर्मनाक घटना पहले कभी नहीं हुई। डोटासरा बोले कि हाथरस में दलित बच्ची के साथ पहले रेप, फिर इलाज नहीं हुआ और 15 दिनों बाद हत्या होने के बाद शव को परिजनों को नहीं सौंपकर पुलिस साये में जला दिया गया, और तो और मीडिया व नेताओं को भी पीड़ित परिवार से मिलने के लिए नहीं जाने दिया गया। इसके लिए सोनिया गांधी और राहुल गांधी के साथ पूरी कांग्रेस पार्टी पीड़ित परिवार के साथ खड़ी है। कांग्रेस संगठन संबंधी सवाल के जवाब में पीसीसी चीफ डोटासरा बोले कि जल्द ही कांग्रेस की नई टीम का ऐलान किया जाएगा। नया फीडबैक चल रहा है, जिन कार्यकर्ताओं के दम और मेहनत से सरकार बनी है उनको बाकायदा सम्मान दिया जाएगा, साथ ही सरकार से लाभ मिलेगा, कार्यकर्ताओं के सपने पूरे हों ऐसे प्रयास किए जाएंगे। कैमरा पर्सन राम रतन मोदी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट सीके न्यूज। आप देख रहे हैं छोटेकाशी.com। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके।